मैं मोहन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए लेक्चर में जिसका नाम है नोजल। आज हम इस टॉपिक में नोजल की बात करेंगे, साथ ही साथ फ्रिक्शन इन ए नोजल की बात करेंगे और नोजल एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए हुए मैं बात करता हूं नोजल होता क्या है, उसके बाद डिटेल में वन बाई वन हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नोजल, व्हाट इज नोजल। तो नोजल इज ए पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। नोजल की जो बेसिक डिफिनेशन है, दैट इज द वेरिएशन इन क्रॉस सेक्शन। और दोस्तों, ये क्यों होता है, अगर आप किसी भी नोजल को देखें तो या तो उसमें एरिया कम हो रहा होगा या तो एरिया ज्यादा हो रहा होगा। दैट मींस नोजल इज ए डिवाइस इन विच चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया टेक्स प्लेस एट द एवरी पॉइंट ऑफ द नोजल। अब देखिए, पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग कहाँ यूज देखते हैं, कैसे आप ये लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत फोर्स के साथ काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट से निकलती है और बड़ी साफ होना शुरू हो जाती है। आप घर में पानी की टोटी का यूज करते हैं, उसमें देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता रहता है। इसे मतलब कि कई जगह पर हम लोग यूज करते हैं। और जो इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है वो होता है दोस्तों स्टीम टर्बाइन में। स्टीम टर्बाइन में जो बॉयलर से स्टीम पास होती है और टर्बाइन में जाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ जेट टर्बाइन ब्लेड से स्ट्राइक करती है, वहाँ पर भी हमें नोजल का यूज करना होता है। अब दोस्तों, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो लिखा हुआ है, ये सब क्या है, कैसे है। तो नोजल का जो मेजर एप्लीकेशन होता है, इट इज टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए हम लोग नोजल का यूज करते हैं। और नोजल बेसिकली तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है कन्वर्जेंट नोजल, दूसरा होता है डाइवर्जेंट नोजल और तीसरा होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। अब दोस्तों, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा हो। अब यहाँ देखिए, पहले नोजल की बात कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंट नोजल का डायग्राम है। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का इनलेट टू आउटलेट कम हो रहा है। अगर आप पहले पॉइंट में देखें और दूसरे पॉइंट में देखें, अगर इनिशियल पोजिशन का जो 5/4 d² होगा वो लास्ट पोजिशन 5/4 d² से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में जो प्रेशर एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और जो वेलोसिटी होगी कन्वर्जेंट मॉडल में वो इंक्रीजिंग आर्डर में होगी। और हम बात करते हैं डाइवर्जेंट मॉडल की। डाइवर्जेंट मॉडल में दोस्तों देखिए, आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार्टिंग में कम आपको दिख रहा है और लास्ट में ज़्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम से ज़्यादा की तरफ फैल रहा है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीजिंग आर्डर में होगी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़्यादा होगी और लास्ट में कम होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे नोजल की, दैट इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। मतलब ये है, स्टार्टिंग में क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है और उसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो रहा है। अब दोस्तों, जो स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है किसी नोजल का, उसे हम बोलते हैं थ्रॉट। जैसे आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल देखेंगे तो जो सेंटर में आपको दिखता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बोलते हैं थ्रॉट। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं नोजल की, तो नोजल को हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं, स्टीम टर्बाइन में यूज करते हैं। जो भी स्टीम बॉयलर से ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो टर्बाइन ब्लेड से स्ट्राइक करती है, वो इन द फॉर्म ऑफ जेट स्ट्राइक करती है, और उसके लिए हम लोग नोजल का यूज करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन इन ए नोजल और फ्रिक्शन एफिशिएंसी। अब फ्रिक्शन इन ए नोजल की जब हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी स्टीम फ्लो होती है किसी पाइप में या किसी नोजल में, तो ऑलवेज देयर इज अ फ्रिक्शन। हाउ देयर इज अ फ्रिक्शन, कि जब स्टीम नोजल की इनर सरफेस के कांटेक्ट में आती है, या कह सकते हैं जब दो सरफेस एक दूसरे पर रब करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो दैट मींस कि जब फ्रिक्शन जनरेट होगा, जब भी स्टीम नोजल के इनर सरफेस से स्ट्राइक करेगी या टच करेगी। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में जो नोजल का जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, या एंथैल्पी ऑफ द स्टीम हाई होती है, और जैसे जैसे स्टीम अंदर जाती जा रही है उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से उसमें हीट ड्रॉप होता है। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, जो कि एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में बनाया गया है, तो दोस्तों इसमें यहां देखें, एक तो आपको दिख रहा है पहली लाइन ये दिख रही है, दूसरी लाइन ये दिख रही है। इसमें हो क्या रहा है, एक सैचुरेशन लाइन होती है और सैचुरेशन लाइन पॉइंट ए पे मिलती है। तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है, या कह सकते हैं जो लाइन आपको दिख रही है ए पॉइंट की, उसका प्रेशर पी वन है, और जो सैचुरेशन लाइन जो दूसरी लाइन पर मिल रही है, इसका प्रेशर मान लेते हैं हम पी टू है। दैट मीन्स आपके पास दो प्रेशर है, पी वन और पी टू।
इसमें पॉइंट ए पर जो एंथैल्पी है इसे हम एच वन मान लेते हैं, और जब ये स्टीम नोजल से पास होती है तो इसमें हीट ड्रॉप होता है, तो ये डायरेक्टली ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाती है, दैट मीन्स लॉस ऑफ हीट चेंज ऑफ एंथैल्पी। तो यहाँ ए पॉइंट पर एंथैल्पी है एच वन और बी पॉइंट पर एंथैल्पी होती है एच टू, दैट इज आइसेंट्रॉपिक हीट ड्रॉप। और दोस्तों इस आइसेंट्रॉपिक हीट ड्रॉप को हम जो डिनोट कर रहे हैं ए से बी से ए टू बी, और ए टू बी का जो हीट ड्रॉप है दैट इज एच वन माइनस एच टू। अब इसकी दूसरी तरफ हम बात करें जब, तो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हमेशा ज्यादा होता है एक्चुअल हीट ड्रॉप से, तो दैट मींस जो दूसरा हीट ड्रॉप होगा दैट इज द एक्चुअल हीट ड्रॉप, और इसकी वैल्यू हमेशा आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप से कम होती है। तो दोस्तों जब हम एक्चुअल हीट ड्रॉप की बात करते हैं तो पहला तो हीट ड्रॉप था ए से बी, लेकिन जो दूसरा हीट ड्रॉप होगा वो ए से बी डैश हो जाएगा। जब ए से बी डैश में हीट ड्रॉप होगा उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करते हैं, इस पॉइंट की एंथैल्पी होती है एच थ्री, दैट इज द यूजफुल हीट ड्रॉप या एक्चुअल हीट ड्रॉप, और इस एक्चुअल हीट ड्रॉप को रिप्रेजेंट करते हैं एच वन माइनस एच थ्री से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप एच वन माइनस एच टू, और एक्चुअल हीट ड्रॉप या यूजफुल हीट ड्रॉप होता है एच वन माइनस एच थ्री। सिमिलरली आप P से Q को बोल सकते हैं, P से Q दैट इज द प्रेशर वन एंड दिस इज द प्रेशर टू, और सेम फिनोमेना जो कि A से B के लिए आप अप्लाई करते हैं वही फिनोमेना P से Q के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है कोफिशियंट ऑफ नोजल और नोजल एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने पहले काफी बताया कि नोजल एफिशिएंसी भी हम लोग जानेंगे। तो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप आपके पास है, एक्चुअल हीट ड्रॉप आपके पास है, तो जो कोफिशियंट ऑफ नोजल होता है या नोजल एफिशिएंसी होती है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से, और जो कैपिटल के होता है इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। तो दैट मींस आई यूजफुल हीट ड्रॉप और आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज एच वन माइनस एच टू और एच वन माइनस एच थ्री। तो आप यूजफुल हीट ड्रॉप को लिख सकते हैं ए सी, दिस इज ए सी, और जो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप है दैट इज ए बी ए टू बी, और जो इन दोनों का रेशियो है दैट इज के, और इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू, आप पहले ही बता चुके हैं कि ए सी का मतलब है H1 माइनस एच थ्री और AB का मतलब है H1 माइनस एच टू। इस तरह से आप नोजल की एफिशिएंसी या कोफिशिएंट ऑफ नोजल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये पूरा लेसन था अपना या पूरा टॉपिक था अपना, ये सिर्फ इस बात के जस्टिफाई करने के लिए था कि नोजल को हम कैसे यूज करते हैं या कहाँ यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसका अप्लीकेशन क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें नोजल के बारे में एक स्टडी थ्रू एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी होती है, जिससे कि हम नोजल के इंडेक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अपने नए लेक्चर में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। धन्यवाद, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक से जरूर करें।